दोस्तों अभी गाड़ी में तो आ गए हैं और लेटे हुए हम लोग पापा आप लोग एक कमेंट पढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हैं, एक बे मौसम यहाँ चेंज हो गया, पूरा अंधेरा कर दिया। पूरी सब्जी का प्लेट के हिसाब से है, प्लेट के हिसाब से है, पीस के हिसाब से है। दोस्तों जा रहे हैं नहाने के लिए, नहा हुआ फ्रेश रहता है, ये सुबह सुबह ही नहाना ठीक है। और कई जगह ऐसा होता है जाने के बाद पानी नहीं मिलता नहाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में फिर स्वागत है। दोस्तों सुबह का अभी 11 बज रहा है और हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पिछला ब्लॉग में देखे थे आप लोग, हम सिलीगुड़ी से निकल गए थे, माल पटना का हमारा माल है और हम लोग पटना जा रहे हैं। तो अभी हम लोग रास्ते में है, अभी यहाँ से दरभंगा करीब 70-80 किलोमीटर है, तो हम लोग अभी दरभंगा से पहले ही खड़े हैं यहाँ पे अभी। तो दोस्तों हम लोग ब्रश वश कर से फ्रेश हो चुके हैं, नाश्ता पानी सब हो गया है, हमारा सफर दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों लंबा सफर में क्या है ना, डीजल थोड़ा नापना पड़ता है, और क्या है कि डीजल नाप का मीटर पे भरोसा नहीं होता, हमको भी आइडिया नहीं इस गाड़ी का। हाँ अगर धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि कहाँ मीटर से कितना रहता तेल, तो आइडिया नहीं मिलता, इसलिए गेज हम लोग रखते हैं तो देखते हैं। और इस सब गाड़ी में क्या है कि पहले ही सीटी मारने लगता है, किसी गाड़ी में 50 किलोमीटर है 60 किलोमीटर है फिर भी सीटी मार देता है। तो ठीक है दोस्तों भाई, गेज मार के अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये यहाँ तक तेल है 4-7, मतलब एक उंगल का हम लोग 10 लीटर का आइडिया रखते हैं, एक उंगल में 10 लीटर, तो उसी हिसाब से 40-70 इतना छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना में तो ईयर ले लेता है गाड़ी। अभी 70 लीटर तेल है, अभी काफ़ी चलेगा, बहुत सफ़र चलेगा अभी। दोस्तों अभी तो निकल चुके हैं हम लोग और सफ़र काट ही रहे हैं, और अपना जो काम है और टोल टैक्स में जो फास्टैग रिचार्ज करना पड़ता है वो भी सेठ से बोल के करवा लिए, क्योंकि सिलीगुड़ी से उस रोड का तो टोल टैक्स लगा नहीं, कहीं मिला नहीं था हम लोग को, वो अंदर का रोड है, वही सब बचत हो जाता है। तो अगर पूर्णिया गुलाब बाग होके आते तो टोल टैक्स ज़्यादा लगता, और उस रोड पर मिला नहीं, तो अभी तो इस रोड पर तो मिलेगा ही, क्योंकि 4 लाइन बना हुआ है, इस रोड पर तो रहता ही है। दोस्तों पहला जब बारिश होता है तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हरा भरा सब देखने में, पेड़ पौधा सब खिल जाता है एकदम। एक तो गर्मी में पहले मुरझा जाता है, फिर बारिश होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, हरा भरा एकदम लगता, कितना अच्छा लगता है पूरा। अभी खेती बाड़ी सब चालू हो गया करना, देख रहे हैं कि सब जगह हरा भरा लग रहा, बहुत ही मतलब आनंद लग रहा है एकदम। ये चीज़ भी होना चाहिए, अच्छा लगता है लोगों को देख करके। और हम लोग जहाँ जिस एरिया में जा रहे हैं वो तो लीची के लिए मशहूर है दोस्तों, इधर हाजीपुर एरिया में जानते हैं लीची तो बहुत चलता है इधर, तो इधर दिखाएंगे आप लोगों को पेड़, माना ये बहुत ही, अभी अगले बार आए थे, पिछले बार जब नेपाल आए थे तो उस समय क्या था कि लीची उतना मार्केट में आया नहीं था, और समय था उसका बताया था कि 10-12 दिन अभी समय है, तो अभी ये देखते हैं अब तो आ गया है लीची मार्केट में। दोस्तों अभी तो हम लोग कुछ सफ़र कर लिए हैं, अभी जा रहे हैं होटल में खाना खाने के लिए, ऐसे भी तो 2:30 बज गया है, अब भूख भी लगने लगा, तो खाना वाना खा के फिर आगे का सफ़र चलेंगे निकलेंगे। ये रहा गाड़ी, इधर खड़ा कर दिया, पापा भी आ गए, और ये सामने में होटल है। ग्रेवी में आलू परवल, भिंडी प्याज है, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव मसाला, अंडा कड़ी, सेव भाजी है, यही में सेव भाजी, और मतलब कुछ नहीं रखे, सेव भाजी गर्मी में और क्या वही खीर रहेगा ना, पनीर मिक्स वेज, नहीं भाई सेव भाजी कर दिए, फिर ठंडा रहता थोड़ा, सेव भाजी दो जगह, दो हाफी लगाना है इनका दोस्तों, यही रहता है सेव भाजी ज़्यादातर केसेस में, क्वान्टिटी एक ही लगा, एक ही लगा, क्या क्या एक ही सेव भाजी, तो कैसे खाएंगे एक दो जन, आने दो ना, ज़्यादा हो जाता फेंका जाता है, तो ठीक है दोस्तों अभी थोड़ा कंजूस भी होते जा रहे हैं ना, ज़्यादा कुछ होटल में आने के बाद बस सेब भाजी ये सब नॉर्मल खाना खाने को मिलता है, गर्मी में खाना का मन नहीं करता है इसलिए फेंका जाता है। आपका पेट भरा हुआ, मेरा तो खाली है ना, दोबारा तो आ जाएगा दूसरा। दोस्तों अभी आ चुका है हमारा खाना, ये सेब भाजी और ये रहा रोटी, तो यही आज हमारा खाना हो रहा है। ये सेब भाजी आ गया है, अभी बोल रहा सब्जी कम पड़ेगा, देखते हैं गर्मी में ज़्यादा खाया नहीं जाता है, कम पड़ेगा तो फिर मंगा लेंगे और सब्जी। दोस्तों खाना तो खा लिए, अब बिहार में सेव भाजी मिल गया यही बहुत है,
हमारे झारखंड में भी तो नहीं मिलता है, बहुत कम कहीं मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ मिल गया तो इसलिए हम भी कहें जो चेक करना चाहिए। सेव भाजी एक ऐसा सब्जी है जो हर जगह मिलता नहीं है, और कहीं मिलता भी तो चेक करना चाहिए कैसा लगा। ठीक बनाया है, ऐसा कोई बुरा भी नहीं है, बढ़िया बनाया है। अभी जाते हैं गाड़ी में 10 मिनट आराम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी दोस्तों अभी गाड़ी में तो आ गए हैं और लेटे हुए हम लोग, पापा आप लोग ये कमेंट पढ़ रहे हैं। और ये देखिए सारे मतलब ड्राइवर लोग जितने भी हैं, अभी तो धूप कर दिया बहुत ज़्यादा, तो साइड में गाड़ी खड़ा करके छाँव में लेटे हुए। देखिए ये देखिए इतना गर्मी हो जाता है कि इसके बाद अभी गाड़ी कोई चला ही नहीं पाएगा, इसीलिए अभी सब गाड़ी लगा के आराम कर लेता है और 4-5 बजे के बाद फिर निकल जाते हैं। दोस्तों खाना वाना खा गए, थोड़ा देर आराम किए थे आधा घंटा, फिर निकल गए वहाँ से। गर्मी तो था ही और इस शाम में मौसम चेंज हो गया, एक बेग पूरा देखिए पूरा काला कर दिया और आंधी तूफान चलने लगा, इधर का तो सफेद सफेद मट्टी पूरा उड़ने लगा। अब देखिए पूरा किस तरह का पूरा मतलब अच्छा तो लग रहा है, हवा लग रहा है ठंडा ठंडा, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये कि थोड़ा आंधी तूफान चलने लगा, थोड़ा सावा चल रहा है। बारिश हो सकता है कि बारिश आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लोग कहना है कि जब तूफान आता तो बारिश नहीं आता है। अब देखते हैं हम लोग बारिश आता है नहीं आता है। देखिए दोस्तों कितना मतलब कि बता रहे आप, अच्छा तो लग रहा है लेकिन गर्दा फसा उड़ रहा है, ये दिक्कत हो रहा है। अभी मुजफ्फरपुर यहाँ पहुँचने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर और रह गया है। दोस्तों यहाँ पंप पर खड़े हैं अभी और यहाँ से करीब 80-90 किलोमीटर पटना रह गया, तो शाम में वो रुके थे यहाँ पे, हम कहे कि इतना जल्दी तो जाना नहीं है, वहाँ रात में जाना है, भीड़ भाड़ में तो अंदर घुसना नहीं है, तो फाँका हो जाए तभी रुकेंगे। लेट गए थे तो आँख बंद हुई है, तो सो गए थे हम तो काफ़ी देर सो गए थे, तो नींद खुला फिर तो देखते रात के 11 बज गया है। कल का रात में ठीक से नींद पूरा नहीं हुआ था इसके चलते। तो ठीक है दोस्तों अभी तो उठे हैं, तो अभी चाय पिए चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं क्योंकि रात में सिटी वगैरह जो रात में जाना ही ठीक रहता है, फाँगा फाँगा मिलता है हम लोग को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है, अभी जगह पर आ गए हम, तो काफ़ी रात में आए, करीब 2 बजे रात के यहाँ पर, और आने के बाद तो गाड़ी तो लगा दी है पॉइंट पे, अब मेन रोड पर ही है, पटना सिटी है, ये पहाड़ी बोलते हैं इसको, और रोड से यहाँ नॉन टिकल अफड़ा नहीं है, खाली करके आदमी कहीं भी जा सकता है यहाँ से। तो दोस्तों ये मेरा गोडाउन है, यहीं पर गाड़ी खाली होगा हमारा, अभी आया नहीं आदमी सर, यहाँ का जो गार्ड है वो तो रहता ही है और बाकी सब आदमी आने वाला है, तो आएगा मतलब बाबू वगैरह जो भी हैं वो सब आएगा तो आगे खाली करवाएगा। दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि हम सिलीगुड़ी से लोड किए थे और 450 किलोमीटर का सफ़र था, तो हाँ हमारा पूरा हो गया, 450 किलोमीटर पहुँच चुके हैं जगह पे। तो दोस्तों इस वाले गोदाम में क्या है कि नहाने का सुविधा दिया हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं नहा ले रहे हैं, करीब 2-3 दिन हो गया नहाए नहीं है, पापा का कपड़ा भी दे देते हैं धो लेंगे सारा, और अच्छा है मतलब यहाँ नहाने को हो जाएगा। तो दोस्तों जा रहे हैं यहाँ नहाने के लिए, नहा हुआ फ्रेश रहता है, ये सुबह सुबह ही नहाना ठीक है, और कई जगह ऐसा होता है जाने के बाद पानी नहीं मिलता नहाने के लिए, दिक्कत हो जाता है, तो जहाँ हम लोग का गर्मी में जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर फ़ायदा उठा लेते हैं, आ रहे हैं नहा कर कभी। दोस्तों अभी हमारा नहाना हो गया है, कपड़ा तो वही पहन लिया क्योंकि वहाँ धोने का जगह ही नहीं था, तो ठीक है दोस्तों नहाना तो हो गया, अब जा रहे थोड़ा नाश्ता वास्ता लाने के लिए, नाश्ता करके रेडी रहेंगे तो ठीक है, क्योंकि जहाँ लोडिंग पे जाते हैं वहाँ फिर नाश्ता मिलेगा कि नहीं, यहाँ तो पूरा बाजार लगा हुआ है देखिए, मैम जस्ट रोड के किनारे, तो उधर नाश्ता मिल रहा है और इधर भी नाश्ता मिल रहा है। दोस्तों अभी तो गाड़ी मतलब खाली तो हो ही जाएगा 2 घंटे के आसपास, और हमारा जो लोडिंग का भी बात चल रहा है वो हो रहा है दोस्तों, रांची का माल मिल रहा है, कलकत्ता का माल मिल रहा है और कटक का भी माल मिल रहा है, तो देखिए अब सेठ जी कहाँ का लोड करवाते हैं। तो अभी निकल गए हैं नाश्ता लेने के लिए, ये रहा बाजार पूरा, और यहीं पर गाड़ी खड़ा है एकदम रोड के किनारे शहर में। पूरी सब्जी का प्लेट के हिसाब से है, दो प्लेट कर दीजिए, एक प्लेट में कितना देते हैं? 4 पीस कर दीजिए, 2 प्लेट। और ये कैसे फीस है? दोस्तों आज सुबह का हमारा नाश्ता हो रहा है, ये देखिए लिट्टी, बिहार का लिट्टी है और ये कचौड़ी है, दोनों मिक्स है, ये आज का हमारा सुबह स्टार्टिंग हो रहा नाश्ता का। ठीक दोस्तों अभी नाश्ता करते हैं। दोस्तों अभी गर्मी में ऐसा ना कि एक टाइम अपना नाश्ता खाना जो है या तो रात का या दोपहर का, या कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह का नाश्ता भी नहीं होता है, मतलब एक टाइम कभी भी गायब हो जाता है। अभी सुबह जैसे भी नाश्ता कर ले रहे भरपेट, अब दोपहर में इतना गर्मी रहता है कि खाने कुछ मन नहीं करता है, या फिर जाना है थोड़ा दूर में धूप में तो आदमी जाता नहीं है वहाँ पर, तो नहीं कर पाता है खाना, तो आदमी छोड़ ही देता है।
तो हम लोग फिर एक ही बार रात में खाना खा लेते हैं। ये कई बार ऐसा हुआ कि कहीं बगल में खड़ा है होटल बगल में, दोपहर का अगर हो गया तो रात का फिर खाना लगभग नहीं होता है, लगभग नहीं होता है, करीब मतलब एक टाइम हम लोग खाना जो है होता ही नहीं है। तो अभी जो नाश्ता आ गया, अभी नाश्ता भरपेट हो जाएगा तो दोपहर का कोई ठीक नहीं है, करेंगे भी नहीं भी करेंगे, गर्मी कारण कुछ खाने का मन नहीं कर रहा उतना। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहा है और हमारा गाड़ी खाली होने चल जाएगा। ये देखिए मेरा सील लगा हुआ ओके जो वहाँ लगा था, और गार्ड साहब है, गार्ड साहब के सामने में सील तोड़ा जा रहा है, उसके बाद अपना माल खाली होगा। देख लीजिए सील, देख लीजिए ना, इसको तोड़ने का जुगाड़ रखना चाहिए बढ़िया है वो। दोस्तों लोग तोड़ने में लगे हुए हैं, लोग तो टूट नहीं रहा, अभी देख रहे हैं किसी तरह एक घुमा के देखे तो मार के एक आपकी रख के मार दो ऐसे। बॉडी यार अच्छेदा हो जाए, दोस्तों अभी सील खुल गया और अब जाके गाड़ी हमारा खाली होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ये डब्बा सब ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का हल्का है, तो खाली तो तुरंत हो जाएगा। कितना देर में खाली कर दीजिएगा? एक घंटा। चलिए अच्छा, एक घंटा में खाली कर दीजिए, और ज़्यादा माल भी नहीं है, देख सकते थोड़ा खाली करके ही है, तो हो जाएगा एक घंटा में। दोस्तों मेरा गाड़ी तो खाली हो रहा है और आधा घंटा काम और है। और दोस्तों हमारा लोडिंग का भी बात हो गया है, तो लोडिंग यहाँ से नहीं, मुजफ्फरपुर से लोडिंग है, तो निकलेगा मुजफ्फरपुर से कटक का बात हुआ है, कलकत्ता का भी हो रहा था लेकिन माल तैयार नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, आगे का सफ़र हमारा मुजफ्फरपुर से कटक का। इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।